अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। आज हम हैं जी वैनकूवर के अंदर, तो आज वैनकूवर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ऑफिशियली फर्स्ट डे है इन वैनकूवर। तो कल रात को बेसिकली हम आ गए थे यहाँ पे, एक है होटल सिक्स, मोटल सिक्स, तो इसमें स्टे किया था। तो रूम टूर भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था, अगर आपने नहीं देखी तो पूरी कनाडा की ये सीरीज़ है। और मैं आप लोगों को एक और बार बताने जा रहा हूँ, बेसिकली आप जो है ना, आप हमने अपना जो टूर है वो एक्सटेंड कर लिया है, तो एक वीक एक्स्ट्रा कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आपको टोरंटो भी लेके जाएंगे, नियाग्रा फॉल भी दिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर होने वाली हैं। लेक लुइस जाना है, लेक मोरेन जाना है, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो आज हम उधर जा रहे हैं आज, लेकिन फ़िलहाल आज जो है ना वैनकूवर के अंदर, तो वैनकूवर से जो ना आपको आज सैर करवाएंगे वैनकूवर की। तो जनाब जी तारिक चौधरी साहब आ गए हैं जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज फिर वैनकूवर दिखा रहे हो सानू, चलो जी गाइस, टाइम टू स्टार्ट द जर्नी। अच्छा जी, ये है चने, और क्या पाया चने, रोटी, ठीक है, लस्सी हमने पी ली है जी। तो गाइस खाना खा लिया जी। चोई साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त खाना था इनका। तो ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, खाना हमने खा लिया। ये लाहौरी रेस्टोरेंट है, ठीक है, वैनकूवर के अंदर। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इनका खाना था, हमने जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं तो बहुत सारी बाकमाल बनी थी। सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी, जो वेटर वगैरह यहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं वो भी बड़ी पोलाइट थी, बड़ा अच्छा काम करती, तो सर्विस भी अच्छी थी और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। ये तो वैनकूवर में आए थे, आज फ्राइडे है तो हमने कहा जुमा नमाज जुमा अदा कर लेते हैं। तो ये मॉस्क है वैनकूवर के अंदर। इंशाल्लाह ताला, बिफोर वी बिगिन द अनाउंसमेंट, वी रिक्वेस्ट फॉर द इरशाद, कम टू द फ्रंट इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पर चाय वाला भी है, ये सामने मॉस्क है, सॉरी सामने वैनकूवर सेंटर के अंदर ये मॉस्क है, उसके सामने ये चाय वाला फ्रॉम लंदन। तो चाय वाला फ्रॉम लंदन से जो ना चाय तो पीते हैं, देखते हैं अंदर लेके चलते हैं आपको। हाँ जी जनाब, चाय मंगवाने हैं, तो इन्हों का जनाब इतने एक टी बैग एक्स्ट्रा पाते, एक डॉलर एक्स्ट्रा लेंगे ने, एक टी बैग का ना एक डॉलर एक्स्ट्रा है। साढ़े लंदन से तो नहीं लेंगे, पाँच तीन टी बैग पा लीए, लेकिन वो कहते एक टी बैग एक्स्ट्रा पाना तो एक डॉलर एक्स्ट्रा लगना। अभी हम सरी में हैं, हम इसको सरे बोलते हैं, यहाँ पे सरी बोलते हैं ना। तो सरी के अंदर ये है वाइट रॉक्स, तो यहाँ पे ये बीच है, ये ट्रेन का ट्रैक है, ऑब्वियसली ये बीच फ्रंट है। तो मौसम आजकल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो गर्मियों वाला होता है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ सीज़न जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं विज़िट करने के लिए। हमने कहा देखे काफ़ी खूबसूरत है समंदर की जो ना आप खूबसूरती देख सकते हैं, तो खैर आ जाएँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी गाइस, तो वो जो साइड पे है ना, वो जो ब्रिज से दूसरी साइड पे आ रहे हैं ना, तो वो बेसिकली यूएसए है ना। तो ये आपको ब्रिज है, ये समंदर है दरमियान में, ये थोड़ा सा करके वो दूसरी साइड पे ना वो यूएसए है, तो वो बेसिकली उस साइड पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे लोग बेसिकली ब्रिज के ऊपर जाते हैं, इन्होंने ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है कि ब्रिज के ऊपर जाएँ और वहाँ पर जो है ना कैनेडा का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वो एंड पे जाते हैं, तो वहाँ से वो दूसरी साइड पे जो आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं वो आबादी की, तो वो यूएसए है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए लोग यहाँ पे, और कुछ खास है नहीं ना कोई इतना, आजकल तो बीच पे भी कोई इस तरह नहीं है क्योंकि आउट ऑफ सीज़न है, तो इस साइड पे लोग इसीलिए जा रहे हैं सिर्फ वो वहाँ से खड़े होकर यूएसए वगैरह वो एक बस एक सिम्बॉलिक का जो है ना वो देख लेते हैं जी। तो गाइस अगर आप रात को यहाँ पर आते हैं ना इवनिंग में, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू देता है आपको, क्योंकि ये जो पेयर है ना ये देखें ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने ये लाइट्स वगैरह लगाई, तो जब शाम का टाइम होता है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ना। तो लोग आते हैं पिक्चर वगैरह लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो इस टाइम पे तो ज़ाहिर है डे टाइम है, धूप है, तो आपको उस तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन शाम को अगर आप देखें रात को तो ये लाइट्स ऑन होती हैं, तो लोग ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा जो ना पेश करते हैं। फिर यहाँ पर आप फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ लें, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। लो जी गाइस, Thank you.
ये तो गाइस अभी वैनकूवर आ गए हैं डाउनटाउन, तो ये सिटी सेंटर के अंदर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने है कोई फ्लाईओवर एक्सपीरियंस वो बुक किया है, जिसके अंदर ये तकरीबन हाफ एन आवर का होता है, 30 मिनट का, जिसमें आपको कनाडा का सारा जो है ना वो जिस तरह 4D नहीं होता, वो एक 4D एक्सपीरियंस है, ठीक है, हमारे यहाँ वहाँ पे जिस तरह 4D एक्सपीरियंस बने हुए हैं। तो ये हम इन्होंने जो है ना वो कनाडा का जो ना ब्रिटिश कोलंबिया का ये सारा एक पूरे कनाडा का ना एक 4D एक्सपीरियंस बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, कि उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको अंदर लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर जाता हूँ और आपको इसका भी बताएंगे कि टिकट कितने की आई है, टाइम इसका कितना एग्जैक्ट लगेगा, क्योंकि अंदर वहाँ पर आपको वीडियो नहीं बनाने देते, अलाउ नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है मैं आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। ये पानी से इसकी लैंडिंग होती है और टेक ओवर होता है ना, तो ये अभी लैंड किया है पानी के ऊपर। A custom immersive experience followed by a short safety briefing and Mother Earth raises you. She holds your story too. We bring us together. What a day to be out. I just wish I was on. यहाँ पे अंदर आपके आपने सीट बेल्ट लगा के इधर बैठ जाना है, तो यहाँ से आपने फ्लाई करना। असलम भाई रेडी टू फ्लाई? Yeah, I'm a bit scared. पूरा सीट बेल्ट है। कनाडा फ्लाई ओवर का जो टूर है वो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, थोड़ा एपिक है, थ्रिलिंग है, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आपको थोड़ी सी कोई हाइट से या फ्लाइंग से या इस तरह की चीज़ों से ना अगर आप थोड़े स्केरी हैं या सिकनेस वगैरह होती है, तो दिस कुड बी समथिंग लाइक यू नीड टू कंसीडर बिफोर यू एंटर टू दिस रूम। तो आपने इसको ध्यान से देखना है चीज़ों की, क्योंकि आप डेफिनेटली यू आर वेरी सिक्योर, आप एक हॉल के अंदर हैं, वो 360 व्यूज़ के साथ स्क्रीन चल रही हैं, लेकिन ओबियसली यू फील लाइक यू फ्लाइंग, यू नो यू जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर एंड यू फ्लाइंग बेसिकली, तो थोड़ा स्केरी होता है। बंदे आपको सीट बेल्ट लगा होता है, आपने सीट्स वगैरह मूवमेंट होती है, लाजमी होती है, ये नहीं कि ऊपर नीचे जाती हैं, टेढ़ी होती हैं, ठीक है, तो यू नीड टू बी माइंडफुल। तो लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक दिस इज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो यू मस्ट हैव, अगर आप कनाडा में आएँ, वैनकूवर में आएँ, तो आपको आई थिंक ये फ्लाई ओवर कनाडा का जो शॉर्ट ट्रिप है, ये जो आपकी शॉर्ट एक्सपीरियंस है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, इफ़ एनीवन कमिंग टू द वैनकूवर, आई थिंक यू शुड डू दिस ऑल द टाइम, रिगार्डलेस आई बिलीव इट्स ऑलवेज ओपन विद even in summer or winter, it doesn't matter, you know, so I think it should be open all the time, but you can check like flyover canada, so you should have all the timing stickers, everything. So humne jo iski ticket pay ki hai wo mera khayal humne pay ki hai 4 logon ki ticket $110. Umair, ticket ki price kya thi sab ki? $21 each ticket ki price thi. तो उमैर ने क्योंकि इकट्ठी बुक की थी हमारे चारों की, तो ही नोज बेटर। एनीवे फॉर $21 आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, सो यू शुड गो फॉर इट। हेलो जी चोई साहब जो ना आज फिर नई शर्ट्स ले आए हैं हमारे लिए ना, चोई साहब इन्ने पैसे ना लाई जाओ साढ़े ते, इन्ने महंगे असी है नहीं, नहीं असल भाई तुहानू नहीं बेच कौन कर रहे हैं, असी अपनी कह रहे हैं। अच्छा दिखाओ जी, मीडियम चेंज वैनकूवर कनाडा, ठीक है, हाँ मीडियम है। कनाडा फ्लाई ओवर के बाद अगर इसके अलावा दूसरी डेस्टिनेशन है यहाँ पे वैनकूवर में अगर आप आते हैं, तो फेमस जगह जो है वो है जी स्टैनले पार्क। तो स्टैनले पार्क ये काफ़ी बड़ी है,
आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा डार्क हो गया क्योंकि हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन अगर आप इस ये काफ़ी बड़ी है, आप वॉक करते हैं तो अच्छा खासा टाइम चाहिए अगर पूरे को घूमते हैं, और इसके अलावा आप ड्राइव थ्रू भी कर सकते हैं, ड्राइव करके भी चक्कर लगा सकते हैं। तो खैर अभी हमने थोड़ी देर के लिए पार्किंग लगा दी, हमने कहा चलो थोड़ा सा इस साइड पर देखते हैं, तो जितना हो सकता है कंसिडरिंग द टाइम, ठीक है अभी नाइट हो रही है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कैफ़े बने हुए हैं, यहाँ पे मैं हर ट्रेन का भी साइन था, तो इस तरह से एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे बोट्स और शिप वगैरह खड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके अंदर से ट्रेन भी जाती है, ठीक है, तो आप ट्रेन भी बुक करके जो ना उसको उसके ऊपर भी मसलन सारा पार्क जो ना वो घूम सकते हैं। उस साइड पे ट्रेन का साइन लगा हुआ है, लेकिन ओबियसली इस टाइम पे तो मोस्ट लाइकली बंद होगी होगी ट्रेन भी, क्योंकि शाम को ये थोड़ा बंद कर देते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी बड़ा पार्क है, अच्छा है, ख़ूबसूरत है, तो इसमें ज़्यादा उस तरह से एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कुछ बच्चों के लिए बनी हुई हैं खेलने के लिए, छोटी मोटी जगह है ना। तो उसके अलावा दूसरी साइड पे वो सामने जो है ना वो आपको जो सी साइड है वो नज़र आ रही है, यहाँ से आप इस साइड से बोट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक आप देखिए ये ट्रैक बने हुए हैं, आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, डे टाइम में लोग आ जाते हैं घास पे, यहाँ पे बैठ के लोग पिकनिक वगैरह मनाते हैं या अपने फैमिली बच्चों या ग्रुप्स वगैरह, तो यहाँ पे आके जो ना वो रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा ऐसा चीज पार्क के अंदर कोई बहुत बड़ी मसलन एक्टिविटीज़ नहीं है, ज़्यादातर ये आप कह लें कि नेचर के करीब है, बस आप बैठते हैं दरख्तों के नीचे घास पे, आप बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ट्रेन भी है, तो ट्रेन का भी आप टूर बुक कर सकते हैं। बी अवेयर, ये देखें ये भी है, ठीक है, कीप योर डिस्टेंस, रिस्पेक्ट ट्रेल क्लोजर, ठीक है, कीप पेट्स ऑन द लीश। की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, कैनरा फ्लाईओवर पे जो ना कोई असलम भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक नहीं हुआ फिर जी। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट मिडनाइट होने वाली है, तो ये है जी गैस टाउन वैनकूवर के अंदर, तो इसको बोलते हैं गैस टाउन। यहाँ पे बेसिकली स्टीम क्लॉक लगा हुआ है जो कि स्टीम पे चलता है, अभी भी बहुत साल हो गए हैं इसको, ये शुरू से जो वन ऑफ द जो ना फ्यू इन द वर्ल्ड जो स्टीम से चलने वाले क्लॉक थे ये लगाया था, और ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है कई सौ साल से। तो आ जाएं आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, ये गैस टाउन की जो मार्केट है या हाई स्ट्रीट है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत लग रही है, वो भी आपको दिखाते हैं, और आपको गैस टाउन का जो ना क्लॉक स्टीम से चलने वाला क्लॉक वो भी दिखाते हैं। ये देखें दरख्तों के ऊपर ये छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं जो कि बहुत दिलकश मंज़र पेश कर रही हैं।